हालात की मजबूरी तो यही कहती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लें तो आप दोनों की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि बलदेव सिंह कभी भी किसी के साथ वफादार नहीं होते। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद क्या इतना भी एहसास नहीं रहा? मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तुमने। जो सच है मैंने वही कहा है। अगर मैं चाहूँ ना शारदा, तो सच की धज्जी उड़ा सकता हूँ। राजवीर, सच तो ये है कि कोई भी शादीशुदा इंसान दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है और कानून भी इसकी मान्यता नहीं देता। मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा, लेकिन निधि हमें ये भी सोचना चाहिए कि मैडम ने भी तुम्हारे लिए कुछ सपने देखने देखने देखा। आदित्य, हर एक माता पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को खुशहाल देखे, और मेरी खुशी तुम हो आदित्य। और ये भी सच है कि सब लोगों ने मिलकर शारदा देवी के लिए एक लहर तैयार की, और उस लहर की वजह से शारदा देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर कहीं वो मुख्यमंत्री के पद से उतरी तो फिर कभी वो सत्ता का मुंह नहीं देख पाएंगे। ऐसे लोग अगर सत्ता पर काबिज ना हो तो ही बेहतर है। प्रदेश का भला करने के नाम पर वो अपने ही लोगों का बुरा कर रही हैं। अब हमें सोचना ये है करना क्या होगा। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझसे ज्यादा चोट तो बलदेव सिंह खाए बैठे हैं। बलदेव सिंह तो किसी भी तरह इस समय सरकार को गिराने की फिराक में है। उनका मकसद चुनाव कराना है, क्योंकि फिलहाल मैं भी नहीं चाहती। चुनाव से बचने की तो मेरी भी मजबूरी है। मैं सोचता हूं कि हमें इस बात पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए कि बलदेव सिंह जनता की नजरों में शारदा देवी को गिराने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार। अगर बलदेव सिंह किसी साजिश में कामयाब होते हैं तो इसका फायदा हम उठाएंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शारदा देवी को अगर किसी वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ती है तो इस पार्टी में मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार मैं हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप फिलहाल बलदेव सिंह का खेल देखना चाहते हैं। हमें शारदा देवी और बलदेव सिंह के बीच टकराव को और बढ़ाना होगा, और ये काम हम आप करेंगे। हाय आदित्य। हाय ज्योति, और क्या चल रहा है? तुम मेघना मैम क्या लग गए और मैं मुख्यमंत्री जी क्या? अभी कहाँ हो? ऑफिस में ही हूँ। एक्चुअली थोड़ी सी उलझन है आदित्य, कुछ फाइल्स हैं जो मैं चेक कर रही थी। अरे तुम वहाँ पर क्लर्क नहीं हो, और किन फाइलों में उलझ गई तुम? आने वाले समय की पॉलिटिशियन हो तुम, जनता जनार्दन पार्टी के अध्यक्ष आचार्य जी की बेटी हो तुम। तुम ठीक कह रहे हो आदित्य, उनकी बेटी बनकर मैंने सिर्फ राह ढूंढने की कोशिश की। सफर तो मुझे खुद तय करना है ना, और अपनी पहचान भी मुझे खुद बनानी है। वाह, बात तो ठीक है तुम्हारी। बड़े अच्छे संजोग की बात है ये कि जिस राजनीति की शुरुआत मैं करना चाहती थी, मुख्यमंत्री जी ने उस राजनीति की शुरुआत कर दी। एक ऐसी राजनीति जहाँ भ्रष्टाचार का नाम दूर दूर तक था, जहाँ राजनीति जन सेवा का काम। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के सोच के बारे में जाना तो मुझे लगा मुझे अपनी शुरुआत यहीं से कर देनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है ज्योति, लेकिन मैडम आजकल बहुत परेशान और उलझन में है, और वो भी किसी और की वजह से नहीं, आचार्य जी की वजह से। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ ज्योति, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर होगी, जिसकी सुनवाई अदालत में होनी है। तुम भी समझ ही रही होगी ना कि ये सब शंकर प्रसाद के किए पापों की परछाई है, जो अब हमारी सरकार के साथ साथ चल रही है, और जिससे दूर भागना अब हमारी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। जो पर इस बात का हमारी सरकार से क्या लेना देना? जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो तो शंकर प्रसाद जी के शासनकाल में हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ज्योति
कि अगर शंकर प्रसाद का भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो आंच तो हमारी सरकार पे भी आएगी, बदनामी तो हमारी सरकार पे भी होगी। इसलिए आचार्य जी चाहते हैं कि किसी भी तरह ये मामला सामने ना आए। इसीलिए आचार्य जी ने मैडम को फोन भी किया था कि उन्हें समझौता कर लेना चाहिए। अब ये तो मैम की मर्जी है कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करें। जिस तरह से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उस तरीके से मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब इस मामले को तो आचार्य जी और मैम आपस में मिलकर सुलझा सकते हैं। इस मामले में मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, मुझे लगा कि तुम्हारी जानकारी में भी ये बात डाल दूं। थैंक यू आदित्य। बाय। आदित्य, ना तो तुम कभी अपने दिल की बात करते हो और ना ही मैं तुमसे अपने दिल की बात कर पाती हूँ। काश कि तुम समझ पाते कि धीरे धीरे तुम मेरी पसंद बनते जा रहे हो। सोनाली, सोनाली, जी, तुम इस घर के सम्मान को मिट्टी में मिलाने आई हो? सब कुछ खत्म करने आई हो तुम? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो सच है। तुम्हारी वजह से राजवीर रागिनी को तलाक देना चाहता है। तुम्हारी वजह से एक बार फिर इस खानदान की इज्जत पर आंच आने वाली है, मेरे सम्मान पर आंच आने वाली है। नहीं पापा जी, इस घर के सम्मान को मिट्टी में मिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे इरादे तो मुझे पहले से ही पता थे, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर कोई इस घर से जाएगा तुम जाओगी। नहीं पापा, पापा, पापा। सोनाली इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो है रागिनी। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। मुझे रागिनी और सोनाली से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो अपने सम्मान से। मैं अपना राजनीतिक जीवन खराब नहीं करना चाहता, जनता के सामने अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता। इसलिए अगर कोई इस घर से जाएगी तो वो सोनाली जाएगी। समझे तुम? सोनाली को इस घर से निकाल कर भी आपका सम्मान बच तो नहीं जाएगा पापा। लोग तो यही पूछेंगे ना कि एक लड़की को आपने जब तक मन चाहा अपने घर में बहू बना कर रखा, और जब मन चाहा उसे घर से निकाल दिया। क्या ये बदनामी वाली बात नहीं है? राजवीर, नाम और बदनामी की बात तो अलग, लेकिन कहीं
हमें निकालने की कोशिश में ऐसा ना हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से ही निकल जाओ। सोनाली का जादू तो तुम्हारे सर पर चढ़कर ऐसे बोल रहा है कि तुम हमें इस घर से निकालने के बारे में सोच रहे हो। कभी कामयाब नहीं हो पाओगे राजवीर। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इस बार हम इस घर में दुल्हन बनकर इसलिए नहीं आए थे कि तुम जब चाहो हमें इस घर से निकाल सकते। और अगर बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, इसका ख्याल रखना। सुना तुमने रागिनी ने क्या कहा? रागिनी ने जो कहना था उसने कह दिया, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। मैं जानती हूं कि मेरी जिंदगी एक भंवर में फंसी हुई है। मैंने मेरी जिंदगी को तूफान के हवाले कर दिया है। आप लोगों को मेरे लिए जो भी फैसला लेना है आप ले लीजिए, लेकिन मैं अपने अधिकारों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगी। ये मेरा फैसला है। एक बात तुम सोनाली और रागिनी दोनों को समझा दो कि ये मामला यहीं खत्म होना चाहिए। तालाक वाली बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे तुम? कांतिलाल जी, नमस्ते। सब तैयारियां हो गई? जी हाँ मैडम, आइए बैठिए। हमारे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्री शारदा देवी जी ने बलदेव सिंह के बारे में जो कुछ कहा वो बात अब भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि मुख्यमंत्री जी का वो बयान सरकार की ओर से दिया गया बयान समझा जाए या मुख्यमंत्री जी का ये निजी बयान था। मैं उस बयान की बात कर रहा हूँ जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बलदेव सिंह के घर में स्त्री को सम्मान नहीं मिलता। और इसी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जनता जनार्दन पार्टी की एक विधायक रजनी वर्मा, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी के इस बयान को आप किस नजरिए से देखती हैं? जो सच जानते हैं उनका नजरिया तो यही होगा। मुख्यमंत्री जी पूरे 30 साल से बलदेव सिंह के साथ उस घर में रही हैं और मैंने भी बलदेव सिंह के साथ एक सहायिका की तरह काम किया है। मैं बलदेव सिंह के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ और समझती भी हूँ। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि बलदेव सिंह के स्वभाव वाली जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी वो पूरी तरह सच है? बिल्कुल सच यही है। वैसे मैं मुख्यमंत्री जी की हर बात से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन बलदेव सिंह के बारे में उन्होंने जो खुलासा किया है मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ। आप साफ साफ ये कहना चाहती हैं कि बलदेव सिंह के घर में स्त्री को सम्मान नहीं मिलता? बिल्कुल सच यही है। और बात सिर्फ घर की नहीं है, सच तो ये है कि बलदेव सिंह की नजर में स्त्री की कोई अहमियत ही नहीं है। 15 साल उनके साथ राजनीति में गुजारने के बाद उन्होंने मुझे कौन सी अहमियत दी? ओ, एक बात बताइए। पहले आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जिस बात की उम्मीद दिलाकर बलदेव सिंह ने मुझे 15 साल अपने साथ लगाए रखा और उसके बाद दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, यहाँ तक कि मुझे अपनी पार्टी में भी जगह नहीं दी। आपको याद होगा और शायद सबको याद होगा कि मैंने जीवन नगर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। लेकिन जैसे ही बलदेव सिंह को पार्टी से निकाला गया वैसे ही मुझे पार्टी में जगह मिल गई, क्योंकि मैं कर्मठ हूँ। तो बलदेव सिंह ने आपकी उम्मीदें पूरी नहीं की इसलिए आप उन्हें गलत ठहरा रही हैं? मैंने उसे दिल से बेटा बनाया है, वो मेरा बेटा नहीं हो तो क्या हुआ? मतलब आप भी यही सलाह देंगी कि उन दोनों की शादी कर दी जाए? हाँ, बच्चों का दिल तोड़कर
हम खुश कैसे रह सकते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि स्त्रियों को सम्मान देना बलदेव सिंह के स्वभाव में ही नहीं, और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वो सच कह रही हैं। उनके घर में झांकने का अधिकार किसी को भी नहीं, नहीं तो आज शायद सबको पता लग गया होता कि उनके घर में महिलाओं की क्या स्थिति है। ये कोई नया खुलासा कर रही हैं आप? अगर किसी को पता नहीं है तो आप बता दीजिए कि उनके घर में महिलाओं की हालत असल में क्या है। मैं सच बोलने से नहीं डरती, और बलदेव सिंह के घर का सच ये है कि उनका बेटा अपनी पहली पत्नी रागिनी को तलाक देना चाहता है। ये है उनके घर की सच्चाई, और इस बात से ये साबित होता है कि बलदेव सिंह स्त्री को कितनी अहमियत देते हैं। फिर चाहे वो बेटी हो, बहू हो, क्या उनकी अपनी पत्नी। धन्यवाद। ये थी रजनी वर्मा, जिन्होंने आज एक नया खुलासा किया कि बलदेव सिंह के सुपुत्र राजवीर सिंह अपनी पहली पत्नी को तलाक देने वाले हैं। अब देखना होगा कि रजनी वर्मा का दावा कितना सच है। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। सब कैसे चल रहा है? सब ठीक है माँ। ठीक है। हाँ कहिए वित्त मंत्री जी। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार वित्त मंत्री जी, कैसे हैं आप? दरअसल आज हमने एक बहुत ही जरूरी और पर्सनल बात करने के लिए फोन किए हैं। हाँ कहिए ना। हमको आपसे आदित्य और निधि के बारे में बात करना है। आदित्य और निधि के बारे में बात करना चाहती हैं? दरअसल कैसे बताएं हम आपको, वो आदित्य और निधि एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं वो एक दूसरे से। क्या आदित्य और निधि ने कहा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं नहीं, उन दोनों ने हमसे कुछ भी नहीं कहा। वो तो हम खुद ही अपनी आंखों से देखे और सुना भी, तो हमें लगा कि हम आपसे बात कर ले। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आदित्य का घर बस जाए, उसकी गृहस्थी बच जाए। जिंदगी अगर वीरान हो तो इस कदर भारी लगने लगती है कि बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है। ठीक कह रही है आप। मैं तो यही कहूँगी, अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। निधि आपकी बेटी, निधि के बारे में फैसला करने का अधिकार आपको है। मैं तो आदित्य के बारे में कह रही थी, बहुत ही नेक लड़का है, मैंने उसे दिल से बेटा बनाया है। वो मेरा बेटा नहीं हो तो क्या होगा? मतलब आप भी यही सलाह देंगी कि उन दोनों की शादी कर दी जाए? हाँ, बच्चों का दिल तोड़कर हम खुश कैसे रह सकते हैं? अगर दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है तो हम इतराज कैसे कर सकते हैं? बाकी आप सोच लीजिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रति मंत्री जी का फोन था, वो कह रही थी आदित्य और निधि एक दूसरे से प्यार करते हैं, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी। मैंने ठीक कहा ना? जी जी मैम, एकदम ठीक कहा। ठीक है, तुम पहले देख लो, मैं भी आती हूँ। आदित्य ने मुझे अपनी माँ माना है, तो माँ बनने का फर्ज मुझे निभाना ही पड़ेगा। यानी कि निधि को आपकी बहू बनाकर लाएंगी आप? आप देखिए, माँ होने की सारी रस्में मैं ही पूरी करूंगी। जिंदगी का भंवर है।
आप मुझे जो भी कहना चाहें कह सकती हैं, ठीक है? मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि आंखों को कोई भाने लगा, आंखों के रास्ते दिल में कोई उतरने लगा, लेकिन वो भी अपना नहीं पराया निकला। अपना कहने से पहले ही ये पता लगा कि वो तो पहले से ही किसी और का है। अच्छा ही हुआ कि दिल की बात जुबां पर आई ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आदित्य और निधि एक दूसरे से प्यार करते, और मैंने ये गलत फहमी पाल ली कि वो मेरा हो जाएगा। मेघना जी को वित्त और निर्माण मंत्री का पद दिया गया है, उनकी बेटी निधि यही है। लो, उससे बात करके उसे भी मुबारकबाद दे दो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज कैसी खुशी मिली है मुझे। अगर मैंने उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया होता तो क्या सोचता वो मेरे बारे में? लेकिन इजहार ना करके भी क्या मैं दिल से पूरी तरह से उसे निकाल पाऊंगी? क्या उसे पूरी तरह भुला पाऊंगी? वो मेरी तकदीर में ना सही, लेकिन मेरी नजर में तो है, और मैं अपनी नजरों से तो उसे उतार नहीं सकती। लेकिन मुझे उसे फिर भी भूलना होगा, भूलना ही होगा। आप भी तो आदित्य के बारे में यही कहा करती हैं मैडम कि वो आपका दामाद नहीं बन पाया तो क्या है, वो आपके बेटे की तरह है। हाँ प्रदीप जी, बेटा होने का फर्ज ही निभा रहा है आदित्य। मैंने आपकी आंखों में कई बार आदित्य के लिए पलते हुए सपनों को देखा है मैडम। हमें याद है आपने खुद ही कहा था कि आप नहीं चाहती कि आदित्य पूरी उम्र अकेलेपन की जिंदगी जीता रहे, और हमने ये चीज महसूस भी की है कि आदित्य आपको अपनी माँ की तरह मानता है, और आप भी उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती हैं। और रिश्तों की इस तड़प को हमने कई बार महसूस भी किया है। आदित्य ने मुझे अपनी माँ माना है, तो माँ बनने का फर्ज मुझे निभाना ही पड़ेगा। यानी कि निधि को आपकी बहू बनाकर लाएंगे आप? हाँ प्रदीप, आप देखिए, माँ होने की सारी रस्में मैं ही पूरी करूँगी। और तुम्हारे पास हमें निकालने के लिए तो कोई वजह भी नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप पर आ गए ना, और फिर तुम्हें इस सोनाली को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। फिलहाल मैंने राजवीर, रागिनी और सोनाली को मना किया है कि इस घर से कोई भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन सर, ये बात तो शारदा देवी तक पहुंच ही गई है।